पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे ये वो शेर हैं जो आज मुठभेड़ के बाद चूहे बन गए। कल तक जो बंदूक के दम पर फिरौती जैसी वारदातों को अंजाम देते थे वो आज पुलिस के सामने दुबके पड़े हैं। एक तरफ हरियाणा में अपराधी बढ़ते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए भी पुलिस एक्शन मोड में काम कर रही है। देर रात करनाल पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक आरोपी घायल हो गया जबकि दो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मुठभेड़ में पुलिस ने एक बात तो साबित कर दी कि वो अपराधियों के आगे झुकेगी नहीं। वहीं देर रात हुए इस एनकाउंटर के बाद आज करनाल में डीएसपी ने प्रेस वार्ता की और कहा कि देर रात हुई पुलिस के साथ मुठभेड़ में तीन बदमाशों को पकड़ा गया है। तीनों ही आरोपियों ने खुद को भानु राणा गैंग से बताकर व्यापारी से 50 लाख की फिरौती मांगी थी। कल पुलिस को सूचना मिली थी कि तीन नौजवान व्यक्ति जिनके नाम अनुज सागर और जयदीप है वो त्रावड़ी थाना के क्षेत्र एरिया में आने जाने लोगों से लूट खसोट करने की कोशिश कर रहे थे और उनके पास हथियार भी है। इस सूचना पर पुलिस ने जैसे मौके पर गए तो तीन नौजवान लड़कों ने पुलिस पर हवाई फायरिंग की और उसके बाद फिर पुलिस पर जान के मारने की नीयत से फायरिंग की। तो जैसे पुलिस ने उनको चेतावनी दी और उसके बाद भी वो नहीं, जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो इस जवाबी कार्रवाई में एक अनुज नाम के आरोपी को टांग में गोली लगी और उसके बाद तीनों लड़कों को काबू किया गया। काबू करने के बाद इनके ऊपर अभियोग दर्ज कर लिया गया है। दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके वो दो दिन के पुलिस रिमांड पे हैं। रिमांड के दौरान उनसे वारदात के बारे में अन्य खुलासा किया जाएगा और एक व्यक्ति सिविल हॉस्पिटल में एडमिट। क्या क्या बरामद हुआ है सर उनके पास से? मौके से एक देसी पिस्तौल और दो जिंदा राउंड और तीन गोल बरामद। कहाँ के रहने वाले हैं और उनकी हिस्ट्री कोई सर? हाँ, ये एक लड़का जो आरोपी है वो अनुज है, वो मुहाना सोनीपत का रहने वाला है। दूसरा आरोपी जयदीप ढार जिला पानीपत का है और तीसरा सागर थाना बड़ौदा जिला सोनीपत से। पहले भी इनकी कोई हिस्ट्री है? इसके बारे में अब रिकॉर्ड जांचा जा रहा है और खंगाला जा रहा है। सर इनपुट संद सीआई को मिला, यहाँ लोकल पुलिस को जानकारी नहीं थी? नहीं, जिला पुलिस की ही कार्रवाई है और पूरा जिला पुलिस। तो क्या इन्होंने वहाँ पर तरावड़ी के आसपास किसी वारदात को अंजाम भी दे दिया था? इन्होंने 10-12 मोटरसाइकिल रोकने की कोशिश की और उन्हीं ने पुलिस को सूचना दी कि ऐसे ऐसे हमारे साथ कोशिश की गई है, हम बच के निकल गए, आप यदि आप अभी रेड करेंगे तो मौके पर पकड़े जा सकते हैं। किसी से लूटपाट की ऐसी चीज सामने आई? नहीं, अभी ऐसी नहीं हुई। इनकी मंशा लूटपाट की ही थी या कोई और वारदात ये करना चाहते थे? तो जांच के दौरान ये पता लगा ये तीनों आरोपी वो हैं जिन्होंने अभी बीच एक फिरौती की कॉल की थी और अपने आप को भानु राणा गैंग से संबंधित बताया है। 50 लाख की फिरौती की मांग की गई थी एक त्रावड़ी के व्यक्ति से। तो ये उसके पश्चात मोटरसाइकिल लूटने के बाद इनकी प्लानिंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए। व्यापारी कौन थे ये कुछ पता? अभी नाम तो बताना उचित नहीं है। और सर ये कार में थे मोटरसाइकिल पे? जांच के दौरान ये सामने आया था कि सोनीपत से बस से आए थे और अभी लूट की मोटरसाइकिल से फिर वारदात करने की फिराक में। तो लूट ली थी सर बाइक इन्होंने? तो ये तैयारी थी अभी ये कोशिश में थे तो उस टाइम हमने पुलिस गिरफ्त में कर लिया और काबू कर लिया। एक तो बाइक लूट ली होगी सर इन्होंने? दो आरोपियों को कोर्ट में पेश करके 2 दिन का रिमांड। पुलिस ने बताया कि इन बदमाशों के पास से देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। ये बदमाश अपने आप को भानु राणा गैंग का सदस्य बता रहे हैं जबकि एक व्यापारी के ऊपर हमला करने की इन्होंने योजना बना रखी थी लेकिन इससे पहले ही इन बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।